काफी सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे थे अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में वीडियो बनाइए तो टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एंड मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा जिससे आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी और किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज इस चैनल पे आपको लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस जो है वो मिलते रहते हैं और उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा लास्ट मोमेंट में होते रहता है तो अभी अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें तो देखो आपके पास टाइम ऑफ सप्लाई के लिए सिंपल है डेट्स होते हैं तो डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ बिकॉज जितना ज़्यादा थियोरी पढ़ते जाएंगे उतना वीडियो लेंदी भी हो जाएगा और आपको एग्जाम के लिए रिवीजन करने में ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इसलिए वीडियोस में ज़्यादा लेंदी बनाना नहीं चाहता तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस या डेट ऑफ़ प्रोविज़न ऑफ सर्विस ऐसा आपका एक कॉलम नंबर फर्स्ट होता है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ये आपका कॉलम नंबर फर्स्ट होता है सेकेंड uh, जो कॉलम हमारा होता है दैट इज़ डेट ऑफ इनवाइस मतलब बिल डेट ऑफ इन्वाइस इज वॉट इट इज़ कॉल्ड एज डेट ऑफ बिल और हमारा तीसरा जो कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ पेमेंट दैट इज कॉल्ड एज वॉट दैट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ पेमेंट तो अभी सिंपल रूल बताता हूँ ध्यान से याद रखें अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लें तो तीन कॉलम्स आपके पास है फर्स्ट कॉलम इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस सेकेंड कॉलम इज डेट ऑफ इन्वाइस एंड थर्ड कॉलम इज डेट ऑफ पेमेंट सबसे पहले हम रूल्स समझते हैं रूल्स अगर आपको एक बार आ गए तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू तो रूल्स अभी अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता ही नहीं है तो ये रूल्स आपके पास लिख के रखें अगर आपने इनवॉइस क्या बोल रहा हूँ अगर आपने इनवॉइस वॉइस थर्टी डेज के अंदर बनाया होगा अगर आपने इनवॉइस थर्टी डेज के अंदर बनाया होगा दैट इज कॉल्ड एज इफ इन वॉइज इज प्रिपेर बिफोर थर्टी डेज फ्रॉम फ्रॉम वॉट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई दिस रूल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और यू कैन राइट दिस रूल ऑल्सो ये रूल को आप लिख के रखें फिर मैं आपको इसको क्लियरली समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके थर्टी डेज के पहले बनाया होगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस के साथ कंपेयर करना है और ऐसे केस में अगर बिफोर की बात करें तो आपको याद रखना है बिफोर के लिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बिफोर के लिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस का डेट या फिर पेमेंट का डेट क्या होगा इनवॉइस का डेट या फिर पेमेंट का डेट विचेवर इज अर्लियर क्या होगा विचेवर इज़ अर्लियर होगा जिनको ये रूल पता नहीं है मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ विद एग्जाम्पल तो ध्यान से इसको लिख के रखें और अगर हमने सेकेंड कंडीशन की बात करी तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा जो भी आपका इन्वाइज है वो आपने थर्टी डेज आफ्टर बनाया मतलब थर्टी डेज आफ्टर बनाया किसके साथ प्रोविजन ऑफ सर्विस के डेट से कंपेयर करके उस केस में आपका जो भी टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई होगा प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या होगा प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर क्या होगा प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो जो भी अर्लियर आएगा वो हम लेंगे अभी मैं इसमें से आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ ठीक है हमारा पहला कॉलम है प्रोविजन ऑफ सर्विस हमारा पहला कॉलम कौन सा है प्रोविजन ऑफ सर्विस हमारा दूसरा कॉलम है डेट ऑफ इन्वाइस ठीक है एक दो तीन एग्जाम्पल लेंगे क्लियर हो जाएगा काफी सिंपल है डोंट गेट कन्फ्यूज अबाउट इट फिर दूसरा हमारा कॉलम है डेट ऑफ इन्वॉइस तीसरा हमारा कॉलम है डेट ऑफ पेमेंट इतने कॉलम्स आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं और हम दो कॉलम हमारे रेफरेंस के लिए बनाते हैं थर्टी डेज का एक कॉलम बनाएंगे हम और एक हमारा फाइनल जो आंसर है जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई तो वी विल बी प्रिपेयरिंग अ कॉलम कॉल्ड एस टाइम ऑफ सप्लाई ऐसा हमारा एक कॉलम यहाँ पे बन जाएगा तो ऐसे हमने कॉलम्स बना लिए अभी हम फर्स्ट डेट की अगर बात करें तो फर्स्ट डेट है हमारा प्रोविज़न ऑफ सर्विस एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि बहुत सारे सिंपल चीज़ें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे हमारा डेट है सिक्सटीनथ सितंबर 2022 ठीक है सिक्सटीनथ सितंबर 2022 ये आपका प्रोविजन का डेट है इनवॉइस का डेट है एटीनथ सितंबर 2022 और पेमेंट का हमारा डेट है पेमेंट का डेट है ट्वेंटी फिफ्थ 2022 टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आपको अभी करना क्या है वो चीज़ ध्यान रखें आपको अभी करना बहुत सिंपल है आपको ये कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे एक डेट लिखना है सिक्सटीनथ सितंबर से अगला मंथ जाना है और यहाँ पे हम सिक्सटीनथ अक्टूबर नहीं लिखेंगे एक दिन कम लिखेंगे फिफ्टीनथ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऐसा मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया सबसे पहला काम है आपको डेट लिखना है और डेट किस बेस पे लिखना है डेट लिखना है प्रोविजन ऑफ सर्विस के बेस पे यहाँ पे सिक्सटीन अक्टूबर है तो मैंने अगला मंथ लिया अगला मंथ होता है सिक्सटीन अक्टूबर लेकिन मैंने एक दिन कम कर दिया फिफ्टींथ अक्टूबर लिखा ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद काफी सिंपल है इसके बाद आपको इस इन्वाइस के डेट को देखना है ये इन्वाइस का डेट आपको दिख रहा है एटीनथ सप्टेम्बर ठीक है और ये थर्टी डेज का पीरियड आपको दिख रहा है फिफ्टींथ अक्टूबर इसका मतलब क्या है दिस इज योर डेड लाइन दिस इज योर डेड लाइन डेडलाइन का मतलब है ये लाइन के ये डेट के पहले ही आपको इन्वाइस बनाना है अगर ये डेट के पहले आपने इन्वायस बनाया तो हम बिफोर का रूल अप्लाई करेंगे ये डेट के बाद में आपने इन्वायस बनाया तो हम आफ्टर का रूल अप्लाई करेंगे अभी आपका डेडलाइन क्या था अभी आपका डेडलाइन इधर दिख रहा है मेरे को फिफ्टीन अक्टूबर ट्वेंटी टू ये आपका डेड है बराबर और हमने इन कब बनाया हमने इन का डेट देखा तो इन का डेट देखा तो वो मिल गया एटीन सितंबर तो इसका मतलब क्या होता है डेड है फिफ्टीन अक्टूबर और आपने इन इसके पहले बनाया तो आप कोंडा कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे वी विल बी अप्लाइंग बिफोर वाला कंडीशन तो क्या था हमारा बिफोर वाला कंडीशन हमारा बिफोर वाला कंडीशन था इनवॉइस और पेमेंट विचेवर इज अर्लियर वेरी वेरी सिंपल रूल इनवॉइस और पेमेंट विचेवर इज अर्लियर अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखे बहुत सिंपल चीज़ में बताया मैंने तो अगर आप अभी इनवॉइस और पेमेंट को कंपेयर करेंगे तो चलो चलो कंपेयर कर लेते हैं तो अभी हमारा इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट इन दोनों को मैंने कंपेयर किया और इन दोनों को कंपेयर करके हम टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो ढूंढेंगे एटीन uh, सितंबर और ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर इनमें से सबसे पहला डेट कौन सा आता है तो आपका पहला डेट आता है एटीन सितंबर ट्वेंटी टू तो दिस विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ठीक है ऐसे ही हम दूसरा भी चीज़ बनाते हैं ताकि आपको पता चलेगा एग्जैक्टली exactly कि, कि किस तरीके से इसको हमें प्रजेंट करना है अगर हम आफ्टर की बात करें यहाँ पे आपका डेट है फॉर एग्जांपल एट अक्टूबर ट्वेंटी टू यहाँ पर आपका डेट है टेन इलेवन ट्वेंटी टू यहाँ पे आपका डेट है सिक्सटीन इलेवन ट्वेंटी टू ठीक है 16, 11, तो अभी चलो ऐसा करते हैं ये एट अक्टूबर है तो यहाँ पे क्या डेट आएगा सेवेंथ नवंबर ट्वेंटी टू बराबर है सेवेंथ नवंबर ट्वेंटी टू अगर आप अभी यहाँ पे देखो दिस डेट इज़ डेड तो हमको करना क्या है चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए फिर से एक बार ये डेडलाइन आया हमारा सेवन्थ नवम्बर तो अभी हम ये चेक करते हैं कि इन कब बना तो इन कब बना टेन इलेवन ट्वेंटी टू को इन बना तो आप देखो ये डेडलाइन के बाद में इन वॉयस बनाए अगर डेडलाइन के बाद में इन्वाइस बनाए तो हम क्या करेंगे हम प्रोविजन और पेमेंट को कंपेयर करेंगे प्रोविजन और पेमेंट को कंपेयर करेंगे और उसमें से हम अर्लियर लेंगे काफ़ी सिंपल है उन दोनों में से हम अर्लियर लेंगे अभी देखो कैसे कैसे लेना है आपको पहले मैंने इनवॉइस और पेमेंट को कंपेयर किया था अभी हम किसको कंपेयर करेंगे प्रोविजन को कंपेयर करेंगे हम पेमेंट के साथ तो प्रोविजन क्या था हमारा प्रोविजन का डेट था हमारा अभी एट ऑक्टोबर इस एट अक्टूबर को हम कंपेयर करेंगे सिक्सटीन नवंबर के साथ तो एट अक्टूबर और सिक्सटीन नवंबर इन दोनों में से अगर कंपेयर करें एवर इज अर्लियर लेना है दोनों में से कौन सा अर्लियर दिख रहा है आपको एट अक्टूबर की सिक्सटीन नवंबर तो आपका राइट आंसर बनेगा एट ऑक्टोबर ट्वेंटी टू आई होप कि आपको टाइम ऑफ सप्लाई के दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे तो दीज आर द टू कंसेप्ट विच वी हैव हाँ डिस्कस बिफोर भी करवाया मैंने आपको और आफ्टर भी करवाया अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है इसमें से कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इसमें अगर आप प्रॉपरली उसको यूज़ करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड फुल मार्क्स मिल जाएंगे थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर